खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। आज 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी को देखने अपोलो हॉस्पिटल जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार देखिए मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है उनकी तबीयत खराब चल रही है। ऐसे में जब तबीयत उनकी ज्यादा खराब हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। आज दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी को देखने अपोलो अस्पताल जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे जुड़ चुके हैं। बलराम, खबर आ रही है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है, उनसे मिलने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं दोपहर 12 बजे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जानकारी मिली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी की हालत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। आज उनका हाल चाल जानने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद करीब 12 बजे अपोलो हॉस्पिटल पहुंचेंगे, डॉक्टरों से बात करेंगे, उनका स्वास्थ्य जानेंगे कि अब उनकी स्थिति कैसी है, क्योंकि एक बीमारी से वो काफी समय से परेशान है और ग्रसित है। यही वजह है कि जिस तरीके से वो चिंतित थी मनीष सिसोदिया को लेकर के और जिस तरीके से उनकी जमानत नहीं हो रही थी उसको लेकर के वो काफी ज्यादा परेशान थी, और यही वजह है कि डॉक्टरों ने भी कहा कि वो बार बार तनाव में रहती हैं, चिंता ज्यादा करती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो तबीयत है वो खराब हुई है। हालांकि अब उनकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार आया है, जो डॉक्टरों से बातचीत हुई है उसके दौरान ये जानकारी मिली है, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य किस तरीके का है, कब तक वो हॉस्पिटल में रहेंगी, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी कुछ ही देर में 12 बजे के आसपास वो अपोलो हॉस्पिटल पहुंचेंगे और वो उनका स्वास्थ्य जानेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम तमाम जानकारी के लिए।